प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विधायकों की मंडी लगाकर उन्हें खरीदा गया है। ये सिर्फ आपके वोट का अपमान नहीं बल्कि आपके विश्वास और आपके आशीर्वाद का भी अपमान है। ये बातें कांग्रेस के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मुंगावली विधानसभा के ग्रामों में कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैयाराम लोधी के पक्ष में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश के जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं इन पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि वहां की जनता चुनाव लड़ रही है। यादव ने कहा कि आपने भाजपा के 15 साल का शासन देखा है। किसानों की आत्महत्या के मामले में, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन था। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शहरयार खान ने भी भाजपा पर आरोप लगाया कि कांग्रेसियों द्वारा संवैधानिक तरीके से अपना विरोध जताते हुए अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखते हुए मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश को ज्ञापन भेजा था, लेकिन भाजपा के दबाव में कांग्रेसियों पर मामला दर्ज किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार देश के हर नागरिक को हो, लेकिन भाजपा ओछी राजनीति करती हुई हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन हम भाजपा के मंसूबों को पूरी नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज कराकर भाजपा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। विशेष संवाददाता राजू प्रजापति की रिपोर्ट। भाजपा अशोकनगर की दोनों विधानसभाओं में अपनी दिखती हुई हार से घबराकर प्रशासन की आड़ में जो दमनकारी काम प्रशासन से करा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस द्वारा पिछले दिनों एक ज्ञापन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम दिया गया, उसके बाद कल पता चला है कि भाजपा के दबाव में प्रशासन ने 12 से अधिक कांग्रेसियों पर नामजद FIR की है और इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि जो हमारे आरोप हैं वो बिल्कुल सत्य हैं कि भाजपा प्रशासन की आड़ में इस चुनाव को अनैतिक तरीके से प्रभावित करने का नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन हम पुरजोर तरीके से ये आवाज़ और अपनी बात रखते रहेंगे क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी वो है जो नहीं डरी थी गोरों से, तो क्या डरेगी इन भाजपा के चोरों से।